नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि शाहरुख खान की फिल्म पठान ने जो बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड स्थापित किए, क्या उन रिकॉर्ड्स को इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों में से कौन सी फिल्म तोड़ सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि पठान फिल्म के जो कलेक्शन के डाटा जाए उनके ऊपर कई लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन दोस्तों जब एक बार ये रिकॉर्ड्स बन गए और रिकॉर्ड्स को अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया ने जारी कर दिए तो दोस्तों फिर उसके बाद में इन रिकॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना ज्यादा उचित नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जो रिकॉर्ड बन गए वो तो रिकॉर्ड हमेशा अब यही लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पठान इज द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज, हाईएस्ट ग्रोसिंग हिंदी मूवीज, ये लिखा हुआ आपको मिलने वाला है। तो अगर इस रिकॉर्ड को आप सही तरीके से माने तो दोस्तों 915 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और जो इंडिया ग्रोस कलेक्शन की बात है वो 565 करोड़ रुपए से ज्यादा का जा चुका था, और नेट कलेक्शन के मामले में भी ये करीब करीब 500 करोड़ के आसपास थी, सभी व्यवसायों को मिलाकर के 475 करोड़ रुपए के आसपास ये कलेक्शन कर चुकी थी। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कलेक्शन के रिकॉर्ड को कौन सी फिल्म तोड़ सकती है, इस साल की बात कर रहा हूं मैं केवल 2023 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले शाहरुख खान की फिल्म है, तो सबसे पहले उम्मीद ये लगाई जाती है कि शाहरुख खान की ही अन्य फिल्म इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ेगी, जिसमें जवान है, डंकी है। जवान जून में आ रही है, एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों उनकी दिसंबर में ये फिल्म आ रही है राजकुमार संतोषी की डंकी, तो इन दोनों फिल्मों के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म पठान फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि डंकी तो शायद ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन जवान से ज्यादा उम्मीदें लगाई जा सकती है, क्योंकि वो भी एक एक्शन मास एक्शन एंटरटेनिंग मूवी है, तो आजकल ऐसी फिल्में चल रही है, तो हो सकता है कि जवान फिल्म पठान फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ दे, संभावना है। दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें अन्य फिल्मों के बारे में, तो सलमान खान की फिल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, अप्रैल में ईद के अवसर पर। इस फिल्म के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार शाहरुख खान की पठान ने कारोबार किया है वैसे ही जबरदस्त ओपनिंग ये फिल्म लेगी और ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ट्रेलर आने के बाद में पता चलेगा कि कितनी हाइप है, कितना क्रेज और कितनी अच्छी ये फिल्म बनी है, क्योंकि पठान की तरह ये एक्शन एंटरटेनिंग मूवी नहीं है, एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, तो इससे ज्यादा उम्मीदें करना मेरे हिसाब से गलत होगा कि ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। जहां तक टाइगर 3 की बात करें तो हाँ ये फिल्म तोड़ सकती है, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स है, YRF का स्पाई यूनिवर्स है, सलमान खान है, शाहरुख खान का कैमियो भी है उसमें, और इसी लेवल की फिल्म है जिस लेवल की फिल्म पठान है, तो इससे जरूर ये उम्मीदें लगाई जा सकती है कि टाइगर 3 है वो ये काम कर सकती है। दोस्तों इसके अलावा कौन सी फिल्मों से उम्मीदें की जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि 30 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है भोला, अजय देवगन की फिल्म है, बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेज है, अजय देवगन का खुद का डायरेक्शन है, और दोस्तों जिस प्रकार से इस फिल्म की हाइप है, जिस प्रकार से इसका क्रेज है, जिस प्रकार से इसके एक्शन सीक्वेंसेज शूट किए गए हैं और जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है, जिस प्रकार से इसकी स्टारकास्ट है, जितने खतरनाक इसके विलेन है, जिस प्रकार का इसका BGM है और जिस प्रकार का इसका म्यूजिक है और जिस प्रकार की स्टारकास्ट है, अभिषेक बच्चन का भी कैमियो है और दोस्तों बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, अजय देवगन ने बहुत मेहनत की इस फिल्म के ऊपर, तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर इस फिल्म की स्टोरी में कंटेंट में दम हुआ तो दोस्तों ये फिल्म कुछ भी कर सकती है, कितना भी कलेक्शन कर सकती है, डेफिनेटली ये फिल्म भी पठान फिल्म के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। दोस्तों इसके बाद में एक फिल्म के बारे में और बात करूंगा, हालांकि फिल्में तो और भी है जिनके मैं नाम लूंगा यहाँ पे, एक अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म आने वाली है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो भी बहुत बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है और दोनों ही एक्शन हीरो है और जबरदस्त एक्शन कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म होने वाली है, तो इस फिल्म से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है। क्रिसमस के अवसर पर साल के अंत में ये फिल्म रिलीज होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है, बहुत बड़ी फिल्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इतने बड़े बजट की फिल्म बनी नहीं है अभी तक भारत के इतिहास में। फिल्म का नाम है प्रोजेक्ट के, लेकिन इसका अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि ये 2023 में ही रिलीज हो जाएगी या फिर 2024 में रिलीज हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से बवाल करेगी, इसमें कोई शक वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है। प्रभास है, अमिताभ बच्चन है और दोस्तों साईफाई मूवी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये फिल्म बनाई जा रही है और ऐसी फिल्म होगी, इतने जबरदस्त एक्शन सिक्वेंसेज विजुअल्स होंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, तो ये फिल्म से डेफिनेटली उम्मीद की जाती है। ज्यादा इसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद ये 2024 में रिलीज होगी, इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों सनी देओल की फिल्म गदर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट था आपको पता है गदर एक प्रेम कथा, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था, तारा सिंह सक्कीना के किरदार में सनी देओल तथा अमीषा पटेल और जबरदस्त म्यूजिक, शानदार म्यूजिक आज भी याद है सभी को, लोगों को डायलॉग्स आज याद है, एक्शन सिक्वेंसेज बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे, तो ये फिल्म भी बहुत बड़ी तरीके से शूट की गई है, बहुत जबरदस्त एक्शन रोल में यहाँ पे सनी देओल नजर आने वाले हैं।
तो ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। इससे भी आप उम्मीदें कर सकते हैं कि अगर इस फिल्म में दम हुआ, स्टोरी स्क्रीन प्ले दमदार हुआ फिल्म का, तो दोस्तों फिर बाद में सनी देओल किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा दो और फिल्में हैं जिनके ऊपर आप उम्मीदें लगा सकते हो, जिनमें दोस्तों एक फिल्म है एनिमल जिसमें रणवीर कपूर बॉबी देओल है, और एक फिल्म है फाइटर जो ऋतिक रोशन की फिल्म है, जो सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट कर रही है, पठान के ही डायरेक्टर है, तो उसके भी बहुत बड़ी उम्मीद है दोस्तों। ये भी बहुत ही जबरदस्त एक्शन मूवी बनने वाली है, जबरदस्त एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर और दोस्तों एरियल थ्रिलर, मतलब कि इसमें तो जबरदस्त आपको एरोप्लेन जो फाइटर जेट्स है उनकी भी मतलब एक जबरदस्त एक्शन सिक्वेंसेज देखने को मिलने वाले है। तो ये दो फिल्में एनिमल और जो फाइटर है, ये फिल्में भी कुछ कमाल कर सकती है और पठान के रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम है। तो कुछ प्रमुख फिल्मों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इनके अलावा अगर कोई और कोई फिल्म छुपा रुस्तम निकल जाए तो मैं कह नहीं सकता जिनसे उम्मीदें नहीं हो, जैसे कश्मीर फाइल से किसी को उम्मीद नहीं थी लेकिन उस फिल्म ने कई कई बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड दर्शाई किए थे। तो अगर इनके दौरान कोई एक ऐसी फिल्म निकल के सामने आ जाए जिससे किसी को उम्मीद नहीं है और वो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दे तो भी संभव हो सकता है। तो दोस्तों इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से कौन सी फिल्म ऐसी है जो पठान फिल्म के जो रिकॉर्ड्स बताए जा रहे हैं उनको ध्वस्त कर सकती है, जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम।